What is the meaning of self-excellence? Self-excellence, consistently searching for your new peak. आप आपके माउंटेन के पीक पर आए, वहां पर अगली चोटी ढूंढ रहे आप अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं. You are constantly, consistently searching for your new peak, and that's where self-excellence will happen. हर बार अपने आप से पूछिए, मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं, मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं. How can I do things more better? How can I love more? How can I be more compassionate? How can I share more? How can I do more? Every time you ask this question, you will realize you are gripping in the world of self-excellence. So let's get into the seventh salah. Are you all ready for it? Thank you very much. Salah number one. Explain karne se pehle. Let me request each one of you to please stand up from your chairs. फिर हमने कहा नो नो नो, आई थिंक यू कैन डू अ लिटिल मोर बेटर, थोड़ा और तुम कर सकते हो, प्लीज कीजिए. तब जाके किसी ने कहा ऐसा है क्या, तो टोज को भी थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, और वो अपनी पूरी कोशिश की. एंड इस हॉल में ऐसे अनेक लोग होंगे जो मेरे साथ सहमत है, हाँ मैथ्यू यही गड़ा मेरे साथ. कुछ लोग होंगे कि नहीं नहीं नहीं, वो तर्क करेंगे मेरे साथ, नहीं भाई मैंने तो शुरुआत में ही आसमान छू लिया था. But I am talking to the large majority in this hall. Then the question is, if the third time you gave your best of best, to aapne wo first time kyun nahi diya? Instructions to same the na ki please give your best and try to reach. Aapko teesra bar aadmi ko kehna kyun pada? Why did Matthew have to tell you the third time? Do a little more, do a little more. Pehli bar mein aapne wo kyun nahi kiya? Simple question. अगर आपने आपका थर्ड टाइम में बेस्ट दिया है, दैट मींस यू हैव द पोटेंशियल. यस और नो? यस, पोटेंशियल वॉज देयर बट यू डिड नॉट गिव. दैट्स द चैलेंज. द चैलेंज इज इन लाइफ 99% ऑफ अस वी ट्राई टू गिव एन ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस. वंस इन अ वाइल वी गो दैट वन एक्स्ट्रा माइल. A little more than what we can do. The question is, can we try to tell ourselves that every time I get an opportunity, I will give that one extra mile. Har baar, agar mujhe kisi se baat karne ka mauka mila, to main one extra mile jaakar, I will try to be more soft and compassionate and polite. अगर मुझे किसी को लीडरशिप एक्सप्लेन करने का मौका मिला, आई विल ट्राई टू गेट दैट वन एक्स्ट्रा माइल एंड ट्राई टू बी एन एग्जेम्पलरी लीडर. अगर जिंदगी में मुझे एक पिता बनने का मौका मिला, तो आई विल गो दैट वन एक्स्ट्रा माइल एंड बिकम अ बेटर फादर देन व्हाट नॉर्मली पीपल कैन. इफ आई कैन डू समथिंग एट माई वर्क, आई विल ट्राई टू गो दैट वन एक्स्ट्रा माइल एंड गिव. कैन वी प्रॉमिस अवर सेल्फ दैट एवरी टाइम आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, I will try to give my one extra mile because it is there in me. The question that I'm firing to each one of you is, if you could do it the third time, why not the very first time? That's the game of the mind. Now if I ask you questions, why aise kiya, to kahenge sir abhi khana kha ke just aaye the, to humne socha itna filhal ke liye na kare to acha hoga. To aise anek bahane denge aap mujhe. जो बंदा खाना खाकर आया, वो भी तीसरी बार में तो किया ना, इतना मन बनाने के बाद भी आपने तो वही करी जो लास्ट में थर्ड में होना था, तो हम क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम ऐसा है कि कुछ लोग यहां पे सिंपल सरवाइव कर रहे हैं धरती पे. जैसे कुछ मेरे मित्र कहते हैं कि दिन काट रहे हैं,
और दोस्त कैसा चल रहा है, कट रहा है, उसके आवाज में ही दुख है, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ लोग होंगे यहां पर भी जो कह रहे कट रहा है, कटा रहे, कटाओ मत। आई डोंट नो, प्लीज लिसन टू मी। हिंदुइज्म बिलीव्स इन मल्टीपल लाइव्स, कहते हैं कि हम बार बार आते हैं वगैरह वगैरह, अच्छी बात है, मैं भी अभी विश्वास करने लगा हूं, बट ये मन बहलाने वाली बात हो गई। आई रियली डोंट नो वेदर आई विल कम बैक अगेन और नॉट, दिस इज अ बिलीफ सिस्टम। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि एक ही बार आता है, कुछ लोग बिलीव करते हैं, ये बिलीफ सिस्टम हो गया। मैं आज तक किसी से मिला नहीं जो कहता कि मैं जस्ट रिटर्न आया हूं, एंड देयरफॉर आई डोंट वांट टू फॉल इन दैट ट्रैप आल्सो। ऑल्दो आई फील दैट यस, लुक्स लाइक वी अपीयर हियर अगेन एंड अगेन, आई ऑल्सो विश टू बी प्रैक्टिकल एंड से देयर इज नो सेकेंड लाइफ। लिव दिस लाइफ टू द फुलेस्ट, दैट्स इट, रेस्ट ऑल आर ट्रैप्स, ट्रैप्स ऑफ द इंटेलिजेंस। किसी इंटेलिजेंट बंदे को लगता है वो सही है, किसी इंटेलिजेंट बंदे को लगता है ये सही है। वी डोंट नो द फैक्ट, वी डोंट हैव अ प्रूफ, एंड देयरफॉर लेट अस लिव दिस लाइफ टू द फुलेस्ट, गिव योर बेस्ट। आई लव टू टेल दिस स्टोरी, ध्यान से सुनिएगा सप्लायर्स, आप लोगों ने तो बिल्कुल सुनना चाहिए। लास्ट में उतरने वाले थे स्टेज से, इतने में एक स्टूडेंट ने कहा एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अब इतना तो नहीं बोल सकते कि मत पूछो, एक्चुअली वो अपने एक्शन से निकल ही रहे थे, तो उन्होंने कहा पूछिए। तो उन्होंने कहा आपको नहीं लगता कि मॉलिक्यूलर डीएनए में हमने इस प्रकार से इस पर्टिकुलर थीसिस को स्टडी करना चाहिए, देयर शुड बी एन एंटी थीसिस टू दिस। बंदा घबरा गया, बंदा कहता है तो इसका तो जवाब मेरे पास है नहीं। बंदे ने कहा एनी विच वेज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मेनी क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल बिकॉज यू ऑल आर स्टूडेंट्स, एंड दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड मी। इसका आंसर तो मेरा शॉफर पीछे बैठा है, वो बता सकता है। शॉफर प्लीज एक्सप्लेन। प्रोफेसर उठे, प्रोफेसर ने कहा कि जवाब ये है, तालियों की गड़गड़ाहट हुई, दोनों निकल पड़े। मैंने कहानी क्यों बताई ये भी समझना बहुत जरूरी है। डोंट फॉल इनटू द शॉफर्स नॉलेज ट्रैप, डोंट फॉल इनटू लिमिटेड नॉलेज। अगर आप सिर्फ व्हील बनाते हैं, आई डोंट नो, सिर्फ समझ के चले एक 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 चेयर की व्हील बनाते हैं, इतने घुस जाओ उस व्हील में, डोंट जो रिमेन इन द ब्रोशर्स, डोंट रिमेन ऑन द पेरिफेरी, डाइव डीप इनटू एनीथिंग दैट यू डू, लाइफ विल बी डिफरेंट फॉर यू। प्लास्टिक की टेक्नोलॉजी है तो क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, कैसे बनता है, what is more strength, how do we check the stress, what is a stress test, isko kaise karte hain, naye kya hai, pvc hai, hdpe hai, kya hai, hum nahi jante, but you should dive into it because whatever you are, go the one extra mile, that's my first message to you। jo bhi zindagi mein aap kar rahe hain, aap sirf lakde bechte hain to lakdon mein itna deep jaiye ki wo shofar jaisa aapko zindagi mein सिचुएशन ना फेस करना पड़े। एनीथिंग इन लाइफ गो द वन एक्स्ट्रा माइल इज माय मैसेज टू यू।